फ्रेंड्स, माय नेम इज दावर हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक दवाखाना। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे कि कौन से फूड हम लें जो कि हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने हेयर ग्रोथ के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि मार्केट में जो कि यूज करते हैं, जिनके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हमको देखने को मिलते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले, और ज्यादा आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो, अगर आप हेयर फॉल से सफर कर रहे हैं या फिर ड्राइनेस रहती है या फिर डैंड्रफ रहता है, तो फ्रेंड्स हम अपनी डाइट पे ध्यान अक्सर नहीं देते हैं और फिर हम सिर्फ प्रोडक्ट का यूज करते चले जाते हैं, जिस वजह से फिर हमको अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स, फूड की बात करें, सबसे पहले एग का अगर आप यूज करते हैं फ्रेंड्स रेगुलरली, एग का यूज करते हैं अगर आप रेगुलरली, अगर आप करें एग का यूज रेगुलरली करेंगे तो आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा प्रमोट करेगा। बिकॉज हेयर के एग के अंदर बायोटिन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे प्रोटीन जो कि हमको बॉडी हेयर्स को चाहिए होता है, हेयर फॉलिकल्स को चाहिए होता है, जैसे केराटिन भी बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, क्योंकि बायोटिन हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, एग में प्रेजेंट होता है। तो अगर आप एग का रेगुलरली यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट फूड की बात करें तो स्वीट पोटैटो को फ्रेंड्स अगर आप यूज करते हैं स्वीट पोटैटो में, बिकॉज स्वीट पोटैटो में बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमारी बॉडी फिर विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है। विटामिन ए फ्रेंड जो जैसे मदद हमारी बॉडी में ऐसे करता है कि वो फिर प्रोडक्शन बढ़ाता है सीबम का। सीबम फ्रेंड्स क्या होता है कि सीबम हमारे स्कैल्प में कह सकते हैं एक नरिशमेंट का काम करता है, या फिर कह सकते हैं लुब्रिकेशन का काम करता है, जो कि फिर हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लुब्रिकेशन फ्रेंड्स अगर नहीं होगा हेयर्स में, सोचिए आप खुद, तो फिर हेयर वीक हो जाएंगे, फिर हमारे फिर टूटने लगेंगे, ड्राइनेस देखने को मिलेंगे। तो सीबम का सिक्रेशन प्रॉपरली होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए विटामिन ए हमें चाहिए। तो इसलिए अगर आप स्वीट पोटैटो को यूज करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप यूज करते हैं स्पैनिश का भी अगर आप यूज करते हैं, तो उसमें भी फ्रेंड्स विटामिन ए है, जो कि आपके हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा प्रमोट करेगा। साथ ही साथ फ्रेंड, नेक्स्ट फूड की बात करें तो सोयाबीन के बारे में आप सभी जानते हैं, सोयाबीन भी हम खाते भी हैं, लेकिन फ्रेंड सोयाबीन लेने से पहले आप प्लीज ध्यान लें कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा फेक सोयाबीन ओरिजिनल नहीं मिल रही है हर जगह। तो आप अगर आप चाहते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, तो आप प्लीज रिच प्रोटीन होता है क्योंकि सोयाबीन में, आप ओरिजिनल सोयाबीन, अच्छी क्वालिटी की सोयाबीन का यूज करें रेगुलरली। अगर आप सोयाबीन का यूज करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। साथ ही साथ एक फूड और हम आपके साथ मैं आपको बताऊं, अगर एवोकाडोस को अगर आप यूज करते हैं फ्रेंड्स रेगुलरली, या फिर वीक में 2 से 3 बार, तो फ्रेंड्स इसमें विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है, ये जो होते हैं क्या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो कि फिर फ्री रेडिकल से फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ फूड्स हैं जो कि हेयर ग्रोथ को कहीं ना कहीं आपकी प्रमोट करेंगे अगर आप रेगुलरली लेते हैं। जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ये फ्रूट लें, जैसे कि एग हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर सोयाबीन हो गया, एवोकाडोस हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, स्पैनिश हो गया, तो इस टाइप के और भी बहुत सारे फूड्स हैं। तो ये कुछ मैंने 5-6 आपके सामने शेयर करें। अगर आप जो भी आप प्रोडक्ट यूज करें, अगर आप उसके साथ ये फूड का भी यूज करते हैं, तो आपकी हेयर ग्रोथ में रिजल्ट्स आपको देखने को और अच्छे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, होम्योपैथिक दवाखाना के नाम से मेरा अकाउंट है, वहां पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। बाकी आप अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।